तो हमारे गांव में जो है एक चीज़ कॉमन है, जैसे यहाँ पे सबके घर है देखो, तो आपको आवाज़, आप सबको आवाज़ मार सकते हो, जैसे चलो ओ भात खाण चलो किले। हमारे उत्तराखंड में एक और फेस्टिवल है आज घ्यू संक्रांति, जिसमें हम लोग घी वगैरह दूध की चीज़ें आज बनाते हैं और खाते हैं सब लोग संक्रांत के रूप में। तो फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहा है सीधे पहाड़ से, मैं हूं आपके सामने आपका रिंकू पहाड़ी। और आज जैसे मैंने बताया संक्रांति है, और हमारे यहाँ पे स्पेशल जो है हमारी चाची घर पकौड़ियाँ बनी है, ये घी है देखिए, और ये पूरियाँ धूपबत्ती कर रहे हैं पितृ लोगों की। कहो मंत्र गिचा पेट बुनी गई बिहार बिहार बोलो मंत्र नहीं आता। ओहो नहीं आता मंत्र, ये घी है इस पर नज़र मत लगाइएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसका घर पे गाय भैंस नहीं है वो कैसे मना रहे होंगे, घी मतलब परचेज कर रहे होंगे बाहर से। हमारे दादाजी आ गए हैं, उनसे पूछते हैं दादाजी आज स्पेशल क्या है घी संक्रांति, ये क्या है मतलब घी संक्रांति थोड़ा बताइए हमारे लोगों को। आज हमारे हिंदी महीने का लास्ट दिन है ना, हाँ नए महीने से चालू होता है, तो आज घी संक्रांति है। तो आज लोग खूब मट्ठा बनाते हैं, छाछ छोड़ते हैं, मक्खन निकालते हैं, खीर बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, भूरी पकौड़ी हैं, हाँ। और कड़ी निकालते हैं, रेला हेला बनाते हैं, खाना पीना खूब मस्त बनाते हैं। आपके टाइम पे भी ऐसे होता था, और जैसे होता था उस समय बहुत दूध दही रहती थी, बहुत गाय भैंस थी ना, गाय जिसके आजकल गाय भैंस नहीं है वो कैसे बना रहा होगा। अब उसको हो जाता है उसको भी लोग दे देते हैं, देते हैं घर गाँव में देते सब, हाँ घर गाँव में तो देते ही हैं, लेकिन बाहर का पता नहीं कि लोग देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर ऊपर वाला फ्लैट का जो होता है नीचे वाले को नहीं जानता है, और यहाँ 10 किलोमीटर तक पहचान है, ताऊ चाचा निकल जाते हैं। ये देखो धूप वगैरह हो रही है आरती की इनके सामने, अब इनके सामने हो रही है शायद यहाँ पे, क्योंकि ककड़ी लगी है। आपको मैंने ककड़ी दिखाई नहीं अपने घर की ना, देखो मैं जुमवा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये ककड़ी है यहाँ पे। और हमारी माता जी ने क्या बनाया आज, वो यहाँ भी घी, यहाँ भी हो गया पितरों को आज घी संक्रांति। और हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में घी संक्रांति मनाना दादाल बतेल, हमारे पहाड़े बीट बरुणी, मैं तो जानो मैं तो की शुभकामनाएं जा धन्यवाद, और मैं जाया घी खाया, मैं जाया घी खाया। जो महिलाएं हैं बेटी बुआरियां हैं, बेटी नहीं बुआरियां, तो वो अपने जो है मिल जाती है आज के दिन घ्यू खाने, क्योंकि उनको ससुराल में मिलता नहीं है घ्यू, इसलिए शायद। और ये देखिए दादाजी का ब्रेकफास्ट हो चुका है, ये सब नाश्ते में पकौड़ी की जो करेले लगने नहीं, और कब्बू पिठाई। नमस्ते जवान हो जाओ, रुक जाओ मेरे को जरा इसका स्लो मोशन खींचना है, ठीक है? तो आप भी ये स्लो मोशन देखिए मॉर्निंग का एक जबरदस्त वाला, और दिन की शुरुआत करिए। ओके अभी जो है अपना चेहरा वगैरह नहीं धोया है, और पहले ही खाने के लिए बोल रहे हैं अभी, तो पहले ब्रश वगैरह करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर घ्यू संक्रांति खाते हैं। ओके हमारी माता जी जो है बौना देवता को पूछती हुई, और जंगल है सामने पैसर लौटू देवता, जो जंगल है सामने पैसर वाला, तो वहाँ पे हमारे देवी देवता रहते हैं, तो उनके लिए जय हो। पहाड़ में मतलब जितने भी जंगल होते हैं वहाँ पे देवी देवताओं का स्थान होता है, पूजा होती रहती है, तो इसलिए आस्था बनी हुई है। सामने दिख रहा है आपको पैसर की मैं हमेशा बात करता हूँ, जो तो वहाँ पे रहते हैं अपने देवी देवता। और सुबह का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं अपने छत से, जो कि बहुत ही उम्दा है, ब्यूटीफुल है। ओके आज का नज़ारा, तारीख 16 अगस्त 2020, कोहरा कितना जबरदस्त लगा हुआ है सामने पैंसर पे, बस केवल ड्रोन की कमी रह गई है। कई लोग मुझे आप में से बोलते हैं कि भाई आप ड्रोन ले लीजिए, क्योंकि अभी ड्रोन ही रह गया आपकी वीडियो में, बट यार काफ़ी एक्सपेंसिव आता है ड्रोन, बेस्ट लेवल का ड्रोन चाहिए इस सिनेरियो के हिसाब से, तो 40-45 के ऊपर से ही आता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इन फ्यूचर में लाएंगे। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दुआ करो कि हमारा ड्रोन आ जाए, और यहाँ से मतलब मैं ड्रोन फेंकूँ तो केवल पूरा 5 किलोमीटर तो आपको दिखे कि किस गाँव में क्या चल रहा है और किसके घर में क्या चल रहा है, ऐसा पॉसिबल है, बट लाएंगे फ्यूचर में जब भी है। फिलहाल तो
नहीं है उतना बजट। अभी जो है ये पड़ोसी हमारे सामने घर दिख रहा होगा आपका, जो अमित सुमित आते हैं उनका घर है यहाँ पे, तो उनको जो है उनका गाय या भैंस सुने क्या सुना गाय भैंस भैंस उनका भैंस जो है कम दूध दे रहा है, तो हम थोड़ा सा दही और थोड़ा सा ये पूरी वगैरह उनके घर में ले जाते हैं और वहाँ भी देखते हैं क्या बना स्पेशल। और यहाँ पे जो एक गेट लगाया हुआ है ताकि कोई भी जंगली जानवर रात को, जैसे सुअर आजकल बहुत आतंक मचा रहा है इधर, तो यहाँ पे आगे ना आए इनके घर की तरफ। ये ताई जी के हाथ में देंगे हम। ताऊ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ है ताई जी? किचन में। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग चाचा। ये देखिए हमारी ताई जी। ये लो ताई जी। बाबी दबू अभी है। ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये लो। यहाँ। अरे रे नजर लग जाएगी। यहाँ। देखो। हेलो गुड मॉर्निंग। आज क्या स्पेशल बनाया ताई जी आपने? आज क्या ओहो किसके पकोड़े? हमारे यहाँ तो करेले के पकोड़े बने आज। हाँ भाई स्पेशल खीर बनी है। क्या खीर है? किस चीज की है? खीर है। यहाँ भी पितरों की जो है पूजा वगैरह हो चुकी है। और सुमित आज क्या है? कौन बेटा खा रहा है? भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये है तरीका ओरिजिनल पकौड़ी पूरी मिक्स करके। अभी जो है नाश्ता करने के बाद एकदम मस्त पूरी वगैरह खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने गांव में। आज है क्या है चाँच बोला? पार्टी है कोई, मतलब अपने यहाँ पे हमारी चाची है पीछे देखिए सज धस के जा रहे हैं। पार्टी है मतलब वो है ना, आज कोई आर्मी के रिटायर हो रहे हैं तो उनावयक पार्टी चाँच, मतलब वहाँ पे जो है लंच है पूरे गाँव वालों को बुला रखा है। गौभाव जिसको बोलते हैं। अच्छा गौभाव मतलब होता है कि पूरा गाँव बराबर। मवैर मतलब होता है एक परिवार से एक, ठीक है। तो हमारे ऐसे इनविटेशन देते हैं कि एक परिवार से अगर किसी एक को बुलाना है तो उसको बोलते हैं मवैर, और अगर पूरे गांव वालों को बुलाना है तो उसको बोलते हैं गौभाव। उत्तराखंड में गढ़वाल में कुमाऊं का पता नहीं, मेंशन कर दो कुमाऊं वाले क्या बोलते हैं आपके। तो चलते हैं, ये हमारा गांव आ गया देखिए। हमारे गांव में जो है एक चीज़ कॉमन है, जैसे यहाँ पे सबके घर है देखो, तो आपको आप सबको आवाज़ मार सकते हो, जैसे चलो ओ भात खान चलो किले तू किले जानी। ये चीज़ बहुत अच्छा आप गांव के सेंटर में बोल सकते हो कि चलो ओ भात खान। और अभी जो है फंक्शन में जाते हुए, जैसे मैंने बताया कोई हमारे गांव के रिटायरमेंट हो रखे हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो उनका आज एक मतलब खुशी वाला समारोह है फिर से, मतलब एक यहाँ पे हमारे परिवार के कानू है जिनका बर्थडे है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ। तो आज स्पेशल क्या है बर्थडे में? केक तो सब लेते हैं कुछ स्पेशल अलग से ना। केक तो अनु के बर्थडे में भी था। हाँ। और वो क्या बोलते हैं सुहाने के बर्थडे में भी था, समोसा था, लेकिन तुम्हारे बर्थडे में कुछ स्पेशल जलेबी। ओहो जलेबी, जलेबी ठीक रहेगी? नहीं किसी को पसंद नहीं। और कुछ भाई? समोसे ज्यादा देने पड़ेंगे एक से, क्यों वरना खत्म नहीं हो पाएंगे, और उतने तो मैं खा भी नहीं सकता हूँ। ऐसा है क्या? तो चलो पहले वहाँ चलते हैं फंक्शन में। बगीरा। तो अभी जो है पीछे फंक्शन चल रहा है सारा, वहाँ पे कीर्तन वगैरह महिलाओं का। और यहाँ पे देखिए हमारे गांव का एकदम से बढ़िया सा खाना बन रहा है, सब बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ खाना वगैरह बन रहा है। तो आपको दिखाते हैं क्या स्पेशल है आज। पंडित जी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, जो कि मतलब कॉमन पंडित जी है पूरे हर जगह आपको दिखेंगे, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे कोई भी शुभ कार्य हो। शेफ लोग हैं बाहर से बुलाए गए हैं स्पेशल मुंबई शहर से, प्रेम चाची मंदिर दीदा और भाई साहब अपने। ये हमारे रत्नगिरी के कारीगर हैं। रत्नगिरी के? नमस्कार पंडित जी, बामण बोलते हैं इनको ना। बढ़िया बढ़िया। बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। हो गया कितन वगैरह? चलो बढ़िया बढ़िया। डांस वगैरह का भाई चाची? डांस करो, मत डीजे लगा पहले।
फुल मारा डालने के बाद सब लोग मेरे पीछे देख सकते हो, सारे खाना खा रहे हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से पहाड़ों में खाना खाया जाता है, ये देखिए आप, सब बैठ के प्यार मोहब्बत से बांटते हैं हम लोग। और मैंने बांटा भी, सब्जियाँ वगैरह बांटा। पंडित जी आएंगे, वो चावल देंगे यहाँ पे अभी, तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ साइड, क्योंकि ये मान्यता है हमारे यहाँ की। पंडित जी आएंगे पीछे से और वो वितरण करेंगे यहाँ पे खाने का। ऐसा हमारे उत्तराखंड में, जिन लोगों को, कई लोगों को पता होगा ये चीज़, जो बाहर से देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि हम लोग अलाउड नहीं होते हैं खाना देते वक्त, क्योंकि जो भ्रम है भाई मानना पड़ता है। देखो पीछे से मेरे खुश के आएंगे पंडित जी यहाँ से। देखो ये बामन है, बामन जी ये उनकी धर्म पत्नी चावल जी के। अरे चप्पल चप्पल चले करते करते ना, चावल बांटते वक्त भाई साहब हाथ जो है ना मतलब जल जैसा जाता है, क्यों बराबर ना क्या देखो भाई। ये देखो हमारे सामने कैमरे वाले भी आए हैं फोटो खींचने के लिए। अब गांव में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है कि जो भी इवेंट हो रहा है, बर्थडे वगैरह कुछ भी छोटा मोटा हो, तो सब आ रहे हैं यहाँ पे कैमरे के लिए। अपने गाँव के तो पंडित कैसे जीता रहे हो आप? ना ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही चलता है यार अपने उत्तराखंड में, हर दिन कुछ ना कुछ मतलब फंक्शन, कुछ सेलिब्रेशन, खुशियों वाली पार्टी होती रहती है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हो, पुराने हो, तो कोई टेंशन नहीं भाई, वीडियोज़ आती रहेगी आपके लिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। हमने भी आज जो है घी संक्रांति मना ली है, पूरी पकौड़ी घी और दही वगैरह का ही है सुबह से। होप आपने भी इंजॉय किया होगा अपने घरों में, नहीं किया होगा तो कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि पहाड़ में एक अलग ही फील होता है एंजॉय करने का। और बाहर अगर हो तो मानता हूँ कि थोड़ा काम वगैरह सब फैमिली मेम्बर रहते नहीं हैं साथ में, बट जो भी हो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और बस ऐसे ही प्यार देते रहें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।